नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी तो देखते हैं एनर्जी एफिशिएंसी टॉपिक में कौन कौन से गवर्नमेंट लॉज एंड एक्ट्स आए हैं फर्स्ट वन इज़ एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी ये बेसिकली अब, अब इन्फोर्स हो गए हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट दो में आया था जो कि रेगुलेट कर रहा था कि कैसे आपको एनर्जी को कंज्यूम करना है एनर्जी एफिशेंसी लेकर आनी है एंड कंजर्वेशन बिल लेकर आनी है हमारा जो मेन एम है ऑब्जेक्टिव वही रहता है कि हमें बिजली को बहुत ज़्यादा बचाना है फर्स्ट अमेंडमेंट 2010 में हुई थी जहां पर इसके स्कोप को बढ़ा दिया गया था बिल्डिंग्स के लिए नॉर्म्स लेकर आए गए थे एंड ट्रेड ऑफ एनर्जी सेविंग्स भी लेकर आए गए थे जो कि एनर्जी इंटेंसिव डेजिग्नेटेड कंपनीज के लिए पर्टिकुलर प्रोविजन थे पेनल्टीज भी लेकर आए थे जो कि कंपनीज जो ऑफेंस क्रिएट करती है एनर्जी सेव नहीं करती और जो वेस्ट करती है एंड यहाँ पर अपील का भी ऑप्शन था इन द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी फीचर्स देख लेते हैं वही है कि इम्पावर करने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करें क्रेडिट स्कीम्स को ट्रेडेबल परमिट्स यहाँ पर दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी अथराइज एजेंसी क्रेडिट्स को इशू कर सकती है एंड जो भी डेजिग्नेटेड कस्टमर्स हैं उनको मिनिमम शेयर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन नॉन फोजिल फ्रूट से जनरेट करना है एंड अगर वो फ़ेल हो गए तो दस लाख की पेनल्टी उनको देनी पड़ेगी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड भी लेकर आ गया था जहाँ पर कंजर्व करनी है एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना है ग्रीन बिल्डिंग्स का यूज़ करना है एंड यहाँ पर दूसरे व्हीकल्स को भी इंक्लूड किया था जो कि मोटर व्हीकल एप्स वेसल भी जैसे शिप्स एंड बोर्ड्स को इंक्लूड कर दिया गया था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन भी बनाई गई थी जो कि इंपावर कर रही थी टू मेक रेगुलेशन फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इन द कंजर्वेशन फंड्स ताकि वो एफिशेंसी मेजर्स को प्रमोट कर सके यहाँ पर वो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगी एंड जो डाइवर्सिफाई नंबर है मेम्बर एंड सेक्रेटरीज का वो भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशेंसी में इंक्रीज कर दिया जाएगा नेक्स्ट इज अबाउट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जिसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है यहाँ पर आप पैरामीटर्स देखते देख लेते हो कौन कौन से हैं डिस्कॉम परफॉर्मेंस है जो कि फोर्टी परसेंट है एक्सेसिबिलिटी एफर्डेबिलिटी रिलायबिलिटी न्यू फिफ्टीन परसेंट है क्लीन 15%, एनर्जी इनिशिएटिव फिफ्टीन परसेंट एनर्जी इनिशिएटिव सिक्स परसेंट इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ट्वेल्ल परसेंट न्यू इनिशिएटिव ट्वेल्ल परसेंट सबसे ज़्यादा डिस्कॉम और तो उसके बाद एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जा रहा है ये बेसिकली बता रहा है कि, कि कितने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एफर्ट्स किए हैं उसके बेसिस पर ये रैंक दिया गया है यहाँ पर भी वही एम है कि क्लीन एंड अससेबल एनर्जी लेकर आनी है कैटेगरीज देख लेते हैं फ्रंट रनर जो टॉप वन थर्ड है इनका ये स्कोर फोर्टी सिक्स से अबव होगा अचीवर्स के लिए दो के थिश्च थिश्च से देन जो कि मिडिल वन है थर्टी सिक्स से फोर्टी सिक्स दैन एस्पेरेंट जो कि थर्टी सिक्स से बिलो इनका स्कोर है सिक्स ट्वेंटी सेवन इंडीकेटर्स पर होगा सिक्स पैरामीटर्स में डिस्कॉम परफॉर्मेंस जो हम देख चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स बताया गया ऑन द साइज ऑफ जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटीज के बेसिस पर कैटेगराइजेशन इसका किया गया है एंड यहाँ पर थ्री इन ग्रुप्स में भी बताया गया है फ्रंट रनर अचीवर एंड एस्पिरेंट्स अदर एनर्जी इंडेक्सेस देख लेते हैं अक्रॉस द ग्लोब ग्लोबल इंडिया परफॉर्मेंस फर्स्ट फर्स पब्लिशिंग एजेंसी यहाँ पर गिवन है वर्ल्ड इकोनॉमिक एनर्जी काउंसिल ये रिपोर्ट करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड एंडस्ट यंग ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो करती है एंड जमन वॉच भी इसको लॉन्च करती है क्या मेजर करती है मेजर करती है एनर्जी इक्विटी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इन अ कंट्री एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है चक नेशनल एनर्जी सिस्टम को चेक करता है ट्रैक करता है अर्निस्टाइन यंग जर्मन वॉच भी एक तरह से ये देखता है कि कंट्री के टारगेट्स पूरे हुए है हैं कि नहीं इंडिया करेंगे यहाँ पर गिवन है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज स्वीडन स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क एंड इसमें डब्ल्यू ई एफ में स्विटरलैंड नॉर्मे डेनमार्क देन यू एस मेन एंड चाइना देन डेनमार्क स्विजरलैंड नॉर्मे तो स्वीडन एंड डोर में ये जो स्कैंडवियन कंट्रीज है यही टॉप पर आ रही है परफॉर्मेंस देखते हैं जिनकी जो स्टेट्स हैं ज़्यादातर स्टेट्स का परफॉर्मेंस हाफ आई एवरेज से ज़्यादा रहा है स्कोरर टॉप रहा है चंडीगढ़ एंड लोअ स्कोर रहा है लक्ष्मदीप एंड किस बेसिस पर टॉप परफॉर्मेंस बताया गया है लार्जेस्ट स्टेट्स का है केरला गुजरात एंड पंजाब स्मॉलर स्टेट में गोवा त्रिपुरा एंड मणिपुर यूटीज में चंडीगढ़ दिल्ली दमन एंड दीव है रहा है दादरा एंड नगर हवेली कुछ ज़्यादा एनर्जी इनिशिएटिव्स देख लेते हैं बेसिकली हमें प्रमोट करना है एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी इन एम एस इन इंडिया ये भी बी ने इसको लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ यू एन आई इसका फंडिंग मेकानिजम है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी एफिशंसी को यहाँ पर सपोर्ट किया गया है बाई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रीनी एनर्जी 2022 के बारे में देखते हैं एक तरह से एनुअल वन मंथ लॉन्ग पीपल्स एंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन है टू द पी 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 आर ए पी सी आर एक तरह से सोसाइटी आपको ध्यान रखना ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सोसाइटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम स्ट्रेटेजीज बनाता है फॉर द पेट्रोलियम कंजर्वेशन ताकि इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो सके नेक्स्ट इज अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग आया गया है जो कि बेनिफिट करेगा फार्मिंग कम्युनिटीज़ को इसके लिए एक पोर्टल भी डेवलप किया गया है जिसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन रजिस्ट्रेशन फार्मर को कैसे हेल्प मिलेगी नेचुरल फार्मिंग के उसके बारे में सब कुछ बताया गया है नेचुरल फार्मिंग में क्या क्या चीज़ आती है बीज अमृत कॉन्टैक्ट जीव अमृत एंड मल्चिंग बीज अमृत क्या होता है जहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है सीड्स का यूजिंग काउंटंग्स यूरिन एंड लाइम बेस्ड फार्मूलास किया जाता है जीवामृत में क्या किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस किया जाता है वही नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए काव यूरिंग डंग फ्लोर ऑफ पल्स एंड जागरी कॉन्क्रोशन मल्चिंग में क्या जाता है क्रिएटिंग माइक्रो क्लाइमेट बनाया जाता है यूजिंग डिफरेंट मल्चिंग जहाँ पर ट्रीज बायोस का यूज़ किया जाता है कॉन्टैक्ट में क्या होता है वहाँ पर जो अर्थवे अर्थवॉर्म्स होते हैं उसको एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो वाटर वेपर कंडेंसेशन में हेल्प कर सके और एक्टिवेट कर दें उस पूरे प्रोसेस को प्लांट प्रोटेक्शन भी आ गया है जहाँ पर जो स्प्रेइंग होती है बायोलॉजिकल कनेक्शंस का जो प्रिवेंट करती है पेस्ट को डिसीज को वीड्स को प्रॉब्लम्स को प्लांट की सोइल फर्टिलिटी को बचाती है इससे क्या बेनिफिट्स होंगे ऑब्वियसली इन्वायरमेंट हमारा बचेगा पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ होगा सॉइल हेल्दी होगी इरोजन कम होगा ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प होगी कि कम करेंगे वाटर कंजर्वेशन है वाटर हेल्थ अच्छी होगी एक अलग ब्लूम भी कम होगी एनिमल वेलफेयर हेल्थ भी सपोर्ट होगा एंड एन बायोडावर्सिटी को भी सपोर्ट मिलेगी इकोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच है जो कि नेचुरल डाइवर्सिटी सॉयल बायोलॉजिकल एक्टिविटी सॉयल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगी जो कि विद इन द प्रोडक्शन सिस्टम में रही केमिकल फ्री फार्मिंग एंड लाइफ स्टॉक बेस्ड फार्मिंग बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग को अब आउट नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग देख लेते हैं एंड नेशनल फार्मिंग्स प्रोमोटेड भारतीय प्रति कृषि पद्धति प्रोग्राम एक तरह से सब मिशन है अंडर प्राइम प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना एंड अम्ब्रेला मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडरी आते हैं इसको अब स्केल कर दिया गया है एज नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग फाइनेंशियल आउटले भी बढ़ा दिया है टेन और इसका छः साल है दो हज़ार चौबीस पच्चीस तक रहेगा ईयर वाइज टारगेट्स दिए गए हैं एंड नॉलेज पार्टनर जो है वो दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट अब नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग देखते हैं ये भी हेल्प करेगा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा सेग्रेटेड स्टेबलिश करेगा मैनेजमेंट में हेल्प करेगा इंटीग्रेशन भी हेल्प करेगा फॉर द पोर्टल्स दैट आर वर्किंग इन टुगेदर ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं मिशन के वही आल्टरनेटिव सिस्टम बनाना है फार्मिंग के लिए जहाँ पर आप एक्सटर्नल परचेज इनपुट्स लेकर आए पॉलर पॉपुलराइज करना है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर जहाँ पर आप एनिमल्स के साथ लाइफ स्टॉक के साथ देसी काओ के साथ लोकल रिसोर्स का यूज़ करते हो फार्मिंग भी कर सको पीपल की रिसर्च को बढ़ाना है जो वैलिडेट डाटा है नेचुरल फार्मिंग का वो भी लेकर आना है अवेयरनेस लेकर आनी है स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेट प्रोसीजर्स भी करनी है ब्रांडिंग और इंटरनेशनल ब्रांडिंग भी इसमें लेकर आनी है अब नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं अब दोनों ही केमिकल से केमिकल से युक्त नहीं होती यहाँ पे पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है एंड बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी होती है यहाँ पर ऑन फार्म बायोमास मैनेजमेंट बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की जाती है डाइवर्सिटी रोटेशन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड रिसोर्स रिसाइकिलिंग भी यहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एक टाइम पर दो दो क्रॉप्स उगाई जाती हैं क्रॉपिंग पैटर्न इस तरीके से लेकर आया जाता है ताकि एक टाइम पर दो क्रॉप हो सके ताकि सॉयल इनरिचमेंट रहे अलॉन्ग विद द फर्टिलिटी मेंटेन रहे अब इसमें डिफरेंसेस देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है ये ऑफ फार्म ऑर्गेनिक होती है एंड बायोलॉजिकल इनपुट्स में लेकिन ये ऑन फार्म है जहाँ पर हमारे पास देसी गाँव है वहाँ पर ही जीव अमृत बीज अमृत एंड घना जीवम अमृत भी यूज़ किया जाता है और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रेन करेक्शन किया जाता है जहाँ पर मिनरल्स का यूज़ किया जाता है लेकिन नेचुरल फार्मिंग में तो आप कम्पोस्ट और मैन्यूर का यूज़ करेगा ना जो नेचुरली अवेलेबल है जैसे वर्मी कम्पोस्ट और इसमें क्या किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्लोइंग टिलिंग मिक्सचर मैन्यूअल वीडिंग या दूसरे फंडामेंटल एक्टिविटीज़ को भी रिक्वायरमेंट की जाती है लेकिन इसमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड इसको ग्लोबल मार्केट में भी पॉपुलर किया जाता है अभी ये इसकी जो मार्केट है नेचुरल फार्मिंग की अभी इवॉल्व नहीं हुई in है इट इज़ इन द इन्फांड स्टेज इट इन विल ग्रो इन द नेचर नियर फ्यूचर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है दो को एंड इसमें 2021 में अडॉप्ट में इंडिया प्रपोजल तो टू डिक्लेयर 2023 हज़ार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यहाँ पर अवेयरनेस बताने की बात की जा रही है फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन की बताने के बताया कि हाउ दे आर इम्पोर्टेंट इन प्रिजर्विंग आर फूड सिक्योरिटी इससे क्या होगा अगर हम डिक्लेयर करें तो ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ेगी एफिशिएंट प्रमोशन होगी एंड मिलेट को मेजर कंपोनेंट फूड बास्केट में ऐड किया जाएगा मिलेट्स क्या होते हैं जैसे रागी ज्वार बाजराई दीजर मिलेट्स एफ ने ऑर्गेनाइज किया है इन रोम में मिटली में इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था अब मिलट्स देखते हैं मिलट्स एक तरह से स्मॉल ग्रेन सीरियल होते हैं एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये इंडिजीनस है जिसको न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं एंड ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं इनके अंदर सेवन पॉइंट ट्वेल्ल परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट फैट सिक्सटी फाइव से सेवेंटी फाइव परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स फिफ्टी से ट्वेंटी परसेंट डे डाइट्री फाइबर भी इसके अंदर होता है ग्रीन रेवोल्यूशन पहले ही सबसे पहले इंडिया में ग्रोन किया जाता था बट उसके बाद ये मार्जिनाइज फोडर क्रॉप की तरह जो कि हम गाय भैंसों को देते हैं चारा की तरह ये यूज़ होने लग गई है टाइप ऑफ मिलेट्स देखते हैं मेजर मिलेट्स माइनर मिलेट्स एंड सूडो मिलेट्स मेजर मिलेट्स में क्या आता है सोरगम ज्वार बाजरा रागी एंड माइनर मिलेट्स में क्या आता है कोकम चेना कुतकी सवन सानवा एंड कोडान सोडो मिलेट्स में कहता है कुट्टू का आटा जो कि हम व्रत में खाते हैं देन रामदाना राजगिरी आटा ये सब आता है एंड यहाँ पर बताया गया है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ट्वेंटी परसेंट ऑफ इंडिया इस कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम मिलेट, एंड इसका इंडिया एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकता है टॉप फाइव मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है एम गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र एंड कर्नाटका 2018 में भी नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था लेकिन अब इसको इंडिया इंटरनेशनल बनाना चाहता है यहाँ पर बताया गया है एम भी इंक्रीज़ किया जाए इसको दिया जाए इवन सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण में भी बता दिया गया है कि हफ्ते में एक बार मिड डे मील स्कीम के तहत तो उनको मिलेट्स देने चाहिए बेनिफिट्स क्या है कंज्यूमर्स फार्मर और इकोसिस्टम को देख लेते हैं कंज्यूमर को क्या होगा ग्लूटेन फ्री मिलेगा क्योंकि अब आजकल ग्लूटेन का भी बड़ा इशू हो गया है जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी रहती है उनके लिए बेजर एक तरह से ये सब्सिट्यूट है टाइप टू डायबिटीज़ या गैस्ट्रिक अल्सर कोलोन अल्सर को भी प्रिवेंट करता है प्राबाइटिक है एलिमिनेट करता है कॉन्स्टिपेशन एक्सेस गैस अमोनिया अमोनिया को रिड्यूस करता है लीवर डिसऑर्डर है अस्थमा को भी ये हेल्प करता है क्योर करने में और इसका जो कल्टिटीवेशन है लेस रिस्की है क्योंकि ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी होता है कम पानी में अच्छी खेती दे जाता है अच्छी प्रोडक्शन इसकी हो जाती है या इंपोटेशन या फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की भी इनको जरूरत नहीं होती ये इंटर क्रॉप की तरह भी यूटिलाइज या ग्रो किया जा सकता है सस्टेनेबल कंजम्पन रहेगी क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट करेगी जीरो हंगर एंड ग्रोथ इंडिया के गुड हेल्थ एंड वेलबिंग प्रोग्राम को भी ये सपोर्ट करेगा डायरेक्ट सीडिड राइस फार्मर्स हैव रिजेक्टेड डायरेक्ट सीडिड राइस टेक्नोलॉजी फॉर प्लांटिंग पेड़ी इन पंजाब बेसिकली डायरेक्ट सीडिड राइस क्या होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है इस्टेब्लिश राइस क्रॉप जहाँ पर जो सीड्स है फील्ड में सोन के जाते हैं राधरबाई ट्रांसप्लांटिंग सीडीज फ्राम द नर्सरी नर्सरी से नहीं लेकर आ जाते वहाँ पर जो राइस क्रॉप को है फ्राम सीड्स सोन इन द फील्ड उसी से दोबारा उसकी खेती उगाने की बात की जा रही है ये वाटर सेविंग मेथड होता है सोइंग पैडी इसको ब्रॉडकास्टिंग सी टेक्निक भी बोला जाता है अब अदर मेथड देखते हैं राइस कंट्रवेशन करने के लिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसको माडागास्कर में डेवलप किया गया था जहाँ पर ये पंद्रह से बीस पानी की बचत करेगा ट्रांसप्लांटिंग सीड्स ये भी पहले नर्सरी में ग्रो किए हो जाते हैं जब सीडिंग्स पैदा हो जाती है उसको फिर मेन फील्ड में लेकर आ जाता है बट उसके बाद हैवी लेबर की जरूरत होती है ड्रिलिंग मैथड क्या करता है कि एक बंद खड्ढा खो देगा लैंड में और जो दूसरा पर्सन है उसमें बीज डालेगा तो ये भी कॉमन मेथड यूज किया जाता है द ड्राप जापनीज मैथड में क्या था सीज नो नर्सरी में सोन होते हैं एंड देन ट्रांसप्लांटेड टू द मेन फील्ड अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं सेव लेबर को सेव करेगा बिकॉज ऑफ एजर एंड फ्लास्टिंग प्लांटिंग ऑब्वियसली क्रॉप भी जल्दी में होएगी होगी सात से सा दस दिन में क्योंकि उसका जो जड़ है वो निकलेगी नहीं एफिशिएंट वाटर यूज भी रहेगा एंड मिथेन भी कम कंज्यूम करेगा इश्यूज़ क्या है यहाँ पर ज़्यादा सीड्स की हमें ज़रूरत रहेगी यहाँ पर लेसर लैंड लेवलिंग रहेगी कोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगी डायरेक्ट सोन में भी हार्डर टू गेट स्टार्टेड इन अगर कोल्ड एंड हॉट कंडीशन एक्सट्रीम तो वहाँ पर डिफिकल्टी होगी यहाँ पर हर बिसाइड्स की नोनेबिलिटी की वजह से भी डिफिकल्टी हो सकती है एंड सीड रिक्वायरमेंट इज हायर विच इज़ दैट इज एट से टेन एकड़ के जी पर एकड़ की हमें सीड की आवश्यकता हो जाएगी मिसलेनियस देखते हैं राइट टू रिपेयर या कंज्यूमर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने कमेटी सेटअप की है राइट टू रिपेयर जो इन्फ्रासाइज कर रही है ऑन द इनिशिएटिव ऑफ लाइफ दैट इज लाइफ स्टेल फॉर मूवमेंट थ्रू सस्टेनेबल कंजम्शन कुछ सेक्टर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है दैट इज फार्म इक्विपमेंट मोबाइल फोन कंज्यूमर टैबलेट्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं राइट टू रिपेयर का डेवलपिंग सस्टेनेबल कंजम्पशन रहेगा राइट इम्पावर कस्टमर्स करेगा ताकि वो प्रोडक्ट्स बाय करें एड्रेस इशूज ऑफ प्लांट ऑब्सलिन दैट इज़ स्पेशली टू लास्ट लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम कि अगर हम सोचते हैं कि खत्म ये इसका बैटरी खत्म होने वाली है तो हम उसको दोबारा रि कर सकते हैं हार्मना स्ट्रेट भी रहेगा बिटवीन और इक्विपमेंट एंड मैनुफेक्चरिंग द थर्ड पार्टी इक्विपमेंट राइट टू रिपेयर मोमेंट आई गई थी जहाँ पर बताया गया था कि दे कैन गेट दैट डिवाइस रिपेयर फ्राम इंडिपेंडेंट शॉप्स एज वेल एज द डिजाइर जहाँ मर्जी से वो अपना जो ऑटोमोबाइल है सपोज़ फॉर एग्जाम्पल वो कहीं से भी रिपेयर करा सकते हैं एंड यू एस यू के यूरोपियन यूनियन में ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट्स एसोसिएट किए गए हैं एप्पल टेस्ला में जिन्होंने कहा गया है कि उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थर्ड पार्टी को दे, दे देंगे ताकि वो रिपेयर कर सके और जिसकी वजह से उनको खतरा महसूस हो रहा है अब राइट टू रिपेयर पोर्टल भी लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया गया है कि जो मैनुफैक्चर्स होंगे वो मैनुअल प्रोडक्ट डिटेल शेयर करेंगे कस्टमर के साथ ताकि या तो वो खुद सही कर सके रिपेयर कर सके अपना फ़ोन या फिर थर्ड पार्टी के साथ कर सकें ज्यादा देन इंडिया ओरिजिनल मैनुफैक्चर के पर डिपेंड होने के बजाय अभी तक मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर ट्रेबल ऑटोमोबाइल फार्मिंग इक्विपमेंट कैन भी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर राइट टू रिपेयर फॉर अथॉरिटी अंडर डैम सेफ्टी एक्ट ट्वेंटी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को स्पेसिफाई किया है प्लान एज रिगार्ड्स मेकिंग फंक्शनल द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एंड दूसरी अथॉरिटीज़ को बनाने की बात किया गया है क्योंकि ये एक तरह से पेरिनियल लीगल बैटल रहा है तमिलनाडु एंड केरला में ओवर द मुरली पेरिया डैम ये कब से चला आ रहा है इंडिया ने थर्ड रैंक हासिल किया है आफ्टर यूज एंड चाइना इन द लार्ज डैम्स तो इंडिया का तीसरा नंबर पर डैम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में देखते हैं जो कि सर्वेलेंस इंस्पेक्ट करता है देखता है कि ये डिजास्टर तो नहीं लेकर आया या ह्यूमन की जो लाइफलीहुड है वो तो नहीं इफेक्ट हो रही है हमारा जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है उसके अंदर तो नहीं ये आ रहा तो इस तरह से डैम सेफ्टी को देखा जाता है यहाँ पर नेशनल कमेटी बनाई थी डैम सेफ्टी के अंदर एन एन भी बनाया गया है एमरजेंसी एक्शन प्लान भी बताया गया है इन केस ऑफ एनी रिस्क तो वो हम यूटिलाइज़ कर सकें मुलापेरी डैम देखते हैं दिस इज द लोकेशन ऑफ द मुलापेरे रिवर जो केरला से आ रही है इट इज़ अ इंटरलिंकिंग एंड ये तमिलनाडु में जा रही है यहाँ पे इडुक रिवर रिजर्वर बनाया गया है केरला ने फिर उसके बाद पहले आर टर टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है मुला पेरे डैम यहाँ पर बनाया गया है एंड यहाँ पर सूरी सुरलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है ये तमिलनाडु में तो एक ही रिवर पर कितने सारे प्रोजेक्ट्स बनाने की बात की जा रही है तो ये जो डैम है ये वन ट्वेंटी ईयर ओल्ड है जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ही कर रही है इसका देख रेख जो अपर रिचेज हैं वो पैरिया रिवर में आ रहे हैं जो केरला में फ्लो हो रही है आफ्टर ओरिजिनेटिंग इन तमिलनाडु द रिजर्वर इज़ विद इन द पैरअर टाइगर रिजर्व ऑल्सो डिस्प्यूट एटीन एटी सिक्स में शुरू हुआ था जब महाराजा त्रिवेंद कौर का उन्होंने एक नाइन 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 ईयर्स का लीज अग्रीमेंट साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ ताकि उनको बताया गया था कि तमिलनाडु को सारे ऑपरेशनल राइट्स दिए गए थे विद रिगार्ड टू तो दिस पर्टिकुलर रिवर बट जो केरला है वो कहते हैं कि जो डैम स्ट्रक्चर वीक है एंड उसकी वजह से काफी सारे लोगों की डेथ भी हुई है अब रूल कब के देखते हैं जो एज पर तमिलनाडु वाटर रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन बुलापेर उनका फर्स्ट रिजर्वर है एज अ रूल का इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री एक तरह से रूल का क्या है एक तरह से टेबलेशन है जो स्पेसिफाई करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करना है और एम्प्टी स्पेस में एंड कितना डैमेज आएगा बेस्ड ऑन द रेनफॉल फॉर थर्टी फाइव ईयर्स एंड इस पर्टिकुलर मेथड में वाटर इज नॉट अलाउड टू बी स्टोर टू पर एट द टाइम रिजर्व से हाई तो ये भी कहा गया कि जब पानी ज़्यादा भर जाए तब भी पानी आप उतना नहीं इसमें इकट्ठा इस कर सकते जितना उसका मैक्सिमम लेवल है क्योंकि ये पार्ट है सेफ्टी कोर मैकेनिज्म का क्योंकि ज़्यादा भर गया तो भी दिक्कत हो सकती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स देखते हैं न्यूज़ में कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिकिटी प्रोजेक्ट ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में रिवार चेनाब रिवर के ऊपर एंड दूसरी डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है रनिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड ये पोटेंशियल बेसिन को कवर कर रहा है कौन कौन से बगड़ी हादसी सराल पक्का केरोवैन एंड किथाई अपर से आंग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट ये भी अरुणाचल प्रदेश में है ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा दिहबंग है अरुणाचल प्रदेश में ऑन द रिवर दिबंग रिवर देन इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी अरुणाचल प्रदेश में है दैट इज़ इन द ईस्टर्न इंडिया ईस्टर्न हिमालय बायोडाविटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है इंडमिक स्पेसिस हैं यहाँ पर दिबंग रिवर के ऊपर ही ये बनाया गया है थ्री जो सेवन मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसी प्रोड्यूस करता है यहाँ पर दो बेसिकली दो डैम की कंस्ट्रक्शन की जा रही है ऑन दिस फर्स्ट वन इज धीर रिवर एंड तंगन रिवर के ऊपर जो कि देवंग रिवर की टेब्रोटरीज हैं एंड अनोनपटी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड अथोनी इसके ऊपर तंग रिकवर के ऊपर दूसरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेक्स्ट इज अबाउट माइनिंग ड्यूरिंग ट्वेंटी सेवन सेशन ऑफ इंटरनेशनल सी बैट अथॉरिटी यहाँ पर डीप सी माइनिंग के बारे में बताया कि कैसे सी डीप uh, सी माइनिंग की वजह से पेशीजन एकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है डीप सी माइनिंग क्या होता है यहाँ पर बताया जाता है कि हम खुदाई करते हैं ताकि हम कुछ मिनरल्स को निकाल सकें जैसे कुबार्ड मैगनीशियम जिंक या कुछ रेयर मेटल्स को सी फ्लोर से निकाल सकें इंडिया का डीप सी मिशन भी है फॉर माइनिंग सेंट्रल इंडिया ओशन बेसिन में जो कि आई एस ए ने ग्रांट कर दिया गया था फिफ्टी फोर परसेंट वर्ल्ड ओशन फ्लोर इज बियॉन्ड नेशनल जरिस्टिक्शन जहाँ पर बताया गया है वो कॉमन हेरिटेज है मैनकाइड का कोई भी आकर खुदाई करना शुरू कर सकता है यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जो कि बैटरी स्मार्टफोन लैपटॉप रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लिए भी यूज हो सकते हैं लेकिन जो तीन मेन रिसोर्स टाइप है दीजर पोली मटैलिक नोड्यू जो कि आयरन ऑक्सी हाइड्रोड्स uh, होते हैं एंड मैंगनीज ऑक्साइड्स होते हैं जो अबेसल प्लेन में मिलते हैं सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स होते हैं या पोलीमेटालिक सल्फाइड्स होते हैं जो कि टेक्टोनिक प्लेन के लॉन्ग होते हैं इन द डेप्थ ऑफ अबाव 5000 थाउजेंड टू फाइव हंड्रेड मीटर दैन कुबार्ट्रिज फैरोमैगनीज क्रस्ट होते हैं जो सी माउंट्स एंड रिजिस पर पाए जाते हैं अब अथॉरिटी के बारे में देखते हैं इंटरनेशनल सी वेड अथॉरिटी ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1994 में एग्जिस्टेंस में आई थी वेयर वैन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द इनक्लोज इन कन्वेंटो फोर्स आया था यहाँ पर बताया गया था कि मेरीनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इंडिया इसका पार्ट है इंक्लूडिंग वन सिक्सटी सेवन अर मेम्बर्स एंड ई यू यहाँ पर बताया गया था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी इट लॉस एंड कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल सिल्स ये भी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था इसी के द्वारा वीवे प्रोजेक्ट्स देखते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिवर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर बना है और वो रिवर कौन से स्टेट में है एंड इनकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है तो मैं साथ में खोल कर रख लीजिए कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट ये आता है कलासा बंदूरी कनाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन द महादाई रिवर एंड इट इज ऑन द कलासी एंड बंदूरी टू द महाप्रभा रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की तो एक तरह से डैम इसके ऊपर बनी है मंडोवी में मंडोवी डैम आती है गोवा में एंड एम डेट फैसिलिटी ड्रिंकिंग वाटर इन द नदन कर्नाटका रीजन ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट यहाँ पर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर भी इशू चल रहा है एंड यहाँ पर बताया गया कमेटी इंस्टीट्यूट की गई है फॉर द इंटरलिंकिंग इन द वेरी कंसर्टेटिव मैनर इंटर बेसि ट्रांसफर किया जाएगा विद द चंबल बेसिन यहाँ पर नेटवर्क ऑफ वाटर चैनल भी कवर किए जाएंगे जो कि ट्वेंटी थ्री से सिक्सटी सेवन परसेंट एरिया ऑफ राजस्थान कवर करेगा जहाँ पर फोटी वन पॉइंट वन थ्री परसेंट ऑफ पॉपुलेशन भी इफेक्ट की जाएगी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देख लेते हैं फटाफट फड़ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट को रिलीज करती है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च कर रही है ये रिपोर्ट यूज़ करती है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एंड उसके बेसिस पर अपनी फाइंडिंग्स बताती है कि कैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं फोजिल बेस्ड सिस्टम से टुवर्ड्स नॉन फॉजिल बेस्ड सिस्टम सिस्टम ट्राइंगल यहाँ पे एनर्जी ट्राइंगल बताया गया है सिक्योरिटी एंड एक्सेस इवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड ट्रांजिशन बताया गया है कि कैसे हमें ट्रांजिशन की जरूरत है ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रेगुलेशन इस्टूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमें जरूरत है इनवायरमेंट प्रोफॉर्मेंस इंडक्स ये भी डब्ल्यू ई एफ ही रिलीज करता है एंड यह बाय एनुअल इंडेक्स होता है दो साल में एक बार आता है वन एटी कंट्रीज इसमें रैंक करती है इंडिया का वन एटी एट रैंक है वन एट्टीएथ रैंक है रिनेबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ईयर एंड 21 इसको रिलाइज करता है ये एक तरह से क्लोथिया ऐसे ग्लोबल कम्युनिटीज हैं ऑफ़ एक्टर्स फ्रॉम साइंस गवर्नमेंट, एनजीओ इंडस्ट्री जो एक साथ काम करते हैं ताकि इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर सकें ये दो में क्रिएट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन पॉन्ड इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स देख लेते हैं यहाँ पर 15.4 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इसकी एंड थर्ड हाईएस्ट आफ्टर चाइना इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गई है इन द सोलर कैपेसिटी एंड फोर्थ आ रही है वर्ल्ड में इन द केस ऑफ सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन उसके बाद चाइना आ रहा है सेकंड आ चुकी है न्यू सोलर वाटर हीटिंग कैपेसिटी एंड थर्ड आ चुकी है हाइड्रो पावर में एंड फिफ्थ आ चुकी है एथनल प्रोडक्शन में एथोनल प्रोडक्शन फॉर द पेट्रोलियम में जहाँ पर हम ब्लेंड करते हैं रूनीबल कपैसिटी स्टार्ट एक्सटे ट्वेंटी टू देख लेते हैं ये आई आर एन एन इसको लॉन्च करता है ये एक तरह से इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट कंट्री कंट्रीज को इन इंडिया ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी एंड इंडिया का टोटल रूनीबल कैपेसिटी भी नौ परसेंट से इंक्रीज़ हो चुका है नेक्स्ट इज रिनबल पावर जनरेशन कोर्स ट्वेंटी वन य भी आई आई एन ई ही रिलीज़ करता है यहाँ पर इंडिया की कंपिटिवनेस को बताते हैं कि कैसे इंडिया की जो कोस्ट है फोजिल फ्यूल की वो बढ़ती जा रही है एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती जा रही है बट जो रिन्यूएबल एनर्जी की कोस्ट है वो कम होती जा रही है सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग तभी हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनल रिव्यू ये भी आर एन कर रहा है एंड द इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया का जो गोल है फाइव हंड्रेड गेगा ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी करना ये तीन पॉइंट चार मिलियन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा एंड एटीन परसेंट ग्लोबल हाइड्रो पावर इंप्लायमेंट भी करेगा जो कि ब्राज़ील फॉलो कर रहा है क्योंकि तो इंडिया का एटीन परसेंट इसमें ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है तो यहां पर बताया है कि कितना जॉब्स क्रिएट करेंगे सोलर पेवे से थर्टी फाइव डिक्विड बायो से थर्टी फाइव दीदा नंबर ऑफ जॉब्स दैट कैन बी भी टोटल मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड रीन एनर्जी रिपोर्ट ये भी इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन करता है यहाँ पर नाइन्टी परसेंट ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी नेक्स्ट फाइव ईयर्स में एंड एडिशन वन फोटी फाइव गीगा होगी एंड इट इज़ फॉर डबल होगा उसका रीन्यूबल कैपेसिटी फोटोवोल्टिक अमाउंट्स भी इसमें किया जा रहा है वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ये एनर्जी इंटरनेशनल एजेंसी ही रिलीज़ कर रही है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इसको भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको रिलीज़ कर रही है वर्ल्ड इन द मिस्ट ऑफ फर्स्ट एनर्जी ग्लोबल क्राइसिस टू गेट बाय रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस में जा रहा है ग्लोबल विंड रिपोर्ट ये भी आया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल में यहाँ पर भी बता रहे हैं कौन कौन से चैलेंजे हैं जैसे कि सप्लाई चेन जियो पॉलिटिक्स सोशल इम्पैक्ट डिस इन्फॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी साइबर क्रिप्टोकरेंसीज ये सभी इसके चैलेंजेस हैं स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर्स ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट लॉन्च करता है यहां पर बताया गया है कि इंडिया के पास टू एटी हीटवेव डेज है अक्रॉस सिक्सटीन स्टेट्स एंड इस पर्टिकुलर डिकेट में सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रही है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पर हिमालय रूज है जो कि अब बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे हैं पहले से भी ज़्यादा अप्रैल इनके लिए सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ भी था राजस्थान मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश गुजरात हरियाणा काउंटेड फॉर फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ हीट वेव्स तो यहाँ पर भी हीट वेव्स बढ़ती जा रही हैं नेक्स्ट वन इज़ इन वी स्टार्ट्स इंडिया 2022 नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को लॉन्च कर रहा है बेसिकली सिंगल पब्लिकेशन जो कि हम कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेट करने के बाद हम एक नम, एक स्टैटिस्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन सही तरीके से जारी कर सकें एक तरह से कैटेगराइज करता है इस सेक्शन में बेस्ड ऑन द डिपीजन ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट एंड एन्वायरमेंटल स्टडीज एंड ये क्या है कौन कौन से सिक्स डिवीजन है इसके इन्वायरमेंट कोल कंडीशन एंड क्वालिटी इन्वयरमेंटल रिसोर्स रेज्यूवस ऑफ कंजमशन एंड प्रोडक्शन एक्सट्रीम इवेंट्स एंड डिजास्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरमेंट हेल्थ एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन क्योंकि एक तरह से मल्टी मल्टीपर्पज़ कंसेप्चुअल एंड स्टैटिस्टिक फ्रेमवर्क है एंड ये पीपल डेमोग्राफिक सोशल एक्टिविटीज़ को भी इंटीग्रेट पार्ट लेता है एज एन इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट तो सब चीज़ों को एक साथ लेकर ही लेकर आ रहा है ताकि हमें इन्वायरमेंट के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल सके नेक्स्ट इज अबाउट जोग्राफी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में देखते हैं यहाँ पर बताया गया है कि इसलिए पॉइंटेड आउट दैट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग है स्लोड बाय थर्टी फाइव परसेंट ग्लोबली तो जो कि रिजिज हैं वो एक तरह से मूव नहीं कर रहे हैं एंड जो दूसरे फॉर्मेशन है वो भी कम हुआ गया है जो रिजिज अलॉन्ग द साइड ऑफ पैसिफिक वो भी जो हंड्रेड मिलीमीटर mm थे वो भी स्लो हुए हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड की एवरेज भी कम होती जा रही है इसका मेजर रीज़न क्या है इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग माउंटेंस चेंज इन मेंटल कन्वेंशन एंड क्योंकि ये मेंटल कन्वेक्शन की वजह से जो हीट ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस टूवर्ड्स द क्रश्ड तो उसी के बेसिस पर ये चेंज हो रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक तरह से जॉगोलिकल प्रोसेस है जहाँ पर क्रश रेट होती है दैट इज द आउटर मोस्ट शेल्फ ऑफ द अर्थ ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट जब सेपरेट होती हैं दो प्लेट्स ये देखो एक प्लेट सबसाइड हो रही है दूसरी प्लेट के अंदर तब ये चीज़ें की जाती है यहाँ से जो मैग्मा आता है वो रिलीज़ होता है वोलकैनोज ऑपरेशन होते हैं वोकैनोज़ आते हैं इसकी वजह से ओशैनिक जो फ्लोर है वो स्प्रेड होता है एंड यहाँ पर जो गैप है वो भी फिल किया जाता है द मैग्मा जब ये कूल कूलड्राउंड होता है तो ये नया ओशनिक क्रस्ट फॉर्म हो जाता है दीज एक्टिविटीज अकर अलॉन्ग मिड ओशन रिजेज लार्ज माउंटेन रिजिज राइज फ्रॉम द सी फ्लोर ये बेसिकली जहाँ पर मिड ओशन रिज होता है जहाँ पे गैप होता है वहाँ से आती हैं ताकि अगर बलावा बनेगा तो फिर वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से माउंटेन्स फॉर्मेशन भी यहाँ पर होती है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट नीना कंडीशन एंडर थर्ड ईयर सिक्स टाइम सिंस 1950 तो अब जो इंडिया मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनके अकॉर्डिंग नीना कंडीशन फिर से आ रही है ओवर द इवेटोरियल पैसिफिक ओशन इज सप्टर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ये तीसरी बार हमें देखने को मिल रही है एंड यहाँ पर बताया गया है कि सप्टंबर में स्टार्ट हो गई थी एंड लुक से अगर अगले छः महीने तक चलेगी एंड हैज़ बीन क्लासीफाइड एज ट्रिपल डिप लालीना लालीना को क्या बोलते हैं लिटल गर्ल क्योंकि एक तरह से वेदर पैटर्न है जो हम पैसेफिक ओशन में देखते हैं एल्नो ये ऑब्जर्व किया गया है जब सी सर्फिस टेम्परेचर ईस्टर्न पैसेफिक इक्वेटोरियल पैसेफिक में वो बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है जितना उसको नॉर्मली होना चाहिए था जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि पानी की दिक्कत हो सकती है बारिश की दिक्कत हो सकती है बिकॉज इट इफेक्ट्स द मॉनसून एंड रेनफॉल अ काउंटर पार्ट ऑफ एलिनो लिनो इंकुलेटर वो या क्रॉस चाइड भी बोलते हैं ये बेसिकली वार्म होता है एंड ये कॉज इस सप्रेस्ड मानसून टुगेदर लानिना एंड एनो आर कॉल्ड कोल्ड एंड वार्म फेजिज ऑफ एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन जहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ईस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशन में इफेक्ट था इंडियन ओशन रीजन ऑल्सो ये हर चार से पाँच साल में होता है एलिनो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है लानीना से अब अगर लानिना हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है बेटर मानसून रेन हो रही रेन्स हो रही हैं इंटेंस हरिकेन्स आएंगे साइक्लोन्स आएंगे अटलांटिक ओशन में बे ऑफ बंगाल में जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ हिमालय रीजन ऑल्सो यहाँ पर हीट वेव्स का भी खतरा रहेगा अगर वीक है लानिना यहाँ पर डिफरेंस टेम्परेचर लो रहेगा ड्यू टू द वेस्ट की वजह से जो हॉट वेस्टली विंड्स हैं वो इंडिया में डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे करोकोम अनोमली के बारे में देखते हैं साइंटिस्ट ने सॉल्व कर दिया है कराकोरम अनोमली करकोम अनोमली मतलब क्या है इसका अनोमली किस बात की अनोमली स्टेबिलिटी और अब ग्रोथ ऑफ ग्लेशियर्स इन सेंट्रल कॉरक्रम इन कंट्रास्ट टू द रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर द नियर बाय माउंटेन्स रीजन ऑफ द हमालियन एंड अर माउंटेन रीजन ऑफ द वर्ल्ड वो कहते हैं कि जो स्टेटिलिटी है और अब ग्रोथ हो रही है ग्लेशियर्स इन द सेंट्रल रीजन ऑफ काराकुरम रेंजेज़ ये ऐसा क्यों हो रही है जबकि इतनी जगह इसके नॉर्थ और साउथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो स्टडी कंडक्ट की गई रिसर्चर ने न्यू थोर एक्सप्लेन किया है कि जो रीज़न है इस पर्टिकुलर एरिया में जो ग्लेशियर्स हैं आर रिजिस्टिंग ग्लेशियर मैट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ये ग्लेशियर मेल्ट को रोक रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रीवियस स्टडीज़ ने बताया है कि जो टेम्परेचर का रोल है इस पर्टिकुलर अब नॉमिली को सस्टेन करने में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी हेल्प पे भी इम्पैक्ट हुआ है इन फीडिंग द अनॉर्मली रीजन दिए गए हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिवाइव हो गई हैं जो कि ट्रिगर कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस का स्नोफॉल वॉल्यूम में भी कॉन्ट्रीब्यूशन uh, रहता है जिसकी वजह से 27 परसेंट इंक्रीज हो गए हैं विंटर प्रेसिपिटेशन भी इफेक्ट होता है ओवर कारोक्रम हिमालयन रेंज जो कि इस पर्टिकुलर रीजन के पीछे इमरजेंस का बात बता रहे हैं हिंदकुश हिंदू कुश हिमालयन रीजन इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नेचुरल ग्लोबल एसेट जो कि 3500 किलोमीटर ओवर एट कंट्रीज के ऊपर स्ट्रेच किया जाता है जिसमें अफगानिस्तान टू वेस्ट बंगाल आ रहे हैं क्रॉसिंग पाकिस्तान इंडिया चाइना नेपाल भूटान एंड बांग्लादेश नेक्स्ट अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट यहां पर है जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस तो यहां पर जोशीमठ में बताया गया है कि लैंडस्लाइड हुआ है सब्सिडेंस हिट जोन है जोशीमठ की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं उत्तराखंड में एक तरह से फेमस पिलग्रिमेज साइट है क्योंकि यहाँ पर बद्रीनाथ हेमकुट साहिब एंड इंटरनेशनल स्केलिंग डेस्टिनेशन ऑयली भी है एंड होस्ट वन ऑफ द फोर कार्डिनल मैथ्स इस्टेब्लिश बाद आदि शंकराचार्य भी यहाँ पर है एंड अदर थ्री बिंग द्वारकापुरी एंड श्रृंगरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टू इंडियन आर्म फोर्स एंड इज होम टू इंडियाज मोस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट कंटोनमेंट्स का भी यहाँ पर निवास स्थान है लैंड सब्सिडेंस के बारे में देखते हैं जहाँ पर जो हमारी लैंड है वो सबसाइड होने लग जाती है सेटल होने लग जाती है ड्यू टू अर्थ सडन सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ जो उसके नीचे का मटेरियल है वो सबसाइड या डिस्प्लेस होने लग जाता है जो लैंड सब्सिडेंस है या लैंड स्लाइड्स है वो ग्रेजुअल सिंकिंग को हम बोलते हैं ऑफ द ग्राउंड सर्फेस वाई लैंड स्लाइड्स आर सडन एंड रैपिड मूवमेंट्स ऑफ रॉक एंड सोयल डाउन हिल अब किस वजह से होता है लैंड सब्साइड या तो जब हम ज्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो नीचे क्लियर इफेक्ट हो रही है तो वो लैंड सबसाइड करेगा ये ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बन रहा है या मेल्ट कर रहे हैं आइस शीट्स या फिर टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से भी होता है अब जोशीमठ को हाईली वनरेबल क्यों बोला गया है क्योंकि मिडिल स्लोप में है हिल के यहाँ पर थिक लेयर है ओवर बर्ड मटीरियल की पैरें स्ट्रिप्स भी यहाँ पर जाती हैं काफ़ी सारे रिवर्स पास होती है रकनंदा धोली गंगा कमल सूत्री धकनाला जिसकी वजह से जो स्नो है अपर अपरिचीज में हाईली वैदर रॉक है वो भी इफ़ेक्ट uh, करती हैं टेक्नोलॉजिक एक्टिविटीज़ भी हैं क्योंकि यहाँ पर विक्रता थ्रस्ट भी है मेन I सेंट्रल mean थ्रस्ट भी है एंड पंडुकेश्वर थ्रस्ट भी है सिटी बिल्डिंग एशियन लैंड स्टाइन मटेरियल भी बताया गया है जहाँ पर वो सिर्फ रॉक से नहीं बट सैंड स्टोन के डिपोजिट से ही बताया गया है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा लोड सैन करने की क्षमता नहीं है इस वजह से भी चीज़ें हो रही है एंड यहाँ पर अन कंस्ट्रक्शन की जाएगा इम प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी है यहाँ पर अब महेश चंद्र मिश्रा कमेटी के बारे में देख लेते हैं उन्होंने एक रिपोर्ट बताई है रिगार्डिंग द लैंड सब्सिडेंस अलॉन्ग द हिमालयन बॉर्डर एंड बताया गया है कि जोशीमठ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप्ड है जो कि डेवलपमेंट कंटिन्यूड अपडेटेड क्योंकि उन्होंने मना किया था बट स्टिल अगर डेवलपमेंट और बढ़ी तो ये पूरा ही ढह जाएगा हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एग्रीकल्चर हो रहा है स्लोप्स बैटरीज टूट रहे हैं तोड़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन में पक्का ड्रेनेज भी हो रहा है ताकि हम सीपेज रोक सके रेन वाटर का सीवेज सिस्टम बनाया जा रहा है सीमेंट ब्लॉक्स ऑफ रिवर बैंक्स बनाया जा रहा है ताकि रोशन को प्रिवेंट किया जा सके तो ये चीज़ें हमें बनानी चाहिए साइक्लोन साइक्लोनसानी तो साइक्लोन साइक्नसानी आया है अभी जो कि साउथ ईस्ट रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल में बनाया गया है एंड इसको सीवियर साइक्लोन स्टोम की कैटेगरी में डाला गया है ये पहले आया था दो हजार बाईस में एंड नदरन ईस्टर्न रीजन में फर्स्ट साइक्लोनिक स्टोम था इसको लेम किया श्रीलंका ने जिसका मतलब होता है रैथ इन सनहालीज एंड इसको अगर इसके बाद कोई भी साइक्लोन आएगा वो उसका नाम दिया जाएगा थाईलैंड के द्वारा जिसका नाम होगा सितरंग गुरमी प्रभाव झारण मसोरू आर अपकमिंग नेम्स फ्रॉम इंडिया तो इंडिया ने भी अपने नाम दिए हुए हैं आपको पता होगा एक पैटर्न के अकॉर्डिंग कि हम हर एक कंट्रीज जो भी इंडियन ओशनरी कैटेगरीज में आती है उनको चांस दिया जाता है कि हर साल जो भी साइक्लोन्स आएगा आपको उनके नाम देने हैं बारी से बारी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में देखते हैं एक तरह से वॉयेंट स्टोम्स होते हैं जो वार्म वाटर पर क्रिएट किए जाते हैं नियर द इक्वेटर फेवरेबल कंडीशन क्या है इनकी इनका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए स्पाइस डिग्री सेल्सियस से कॉरलेस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड होनी चाहिए वहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग लो एयर प्रेशर होना चाहिए या लो लेवल साइक्लोनिक होना चाहिए अपर डाइवर्जेंस भी होना चाहिए सी लेवल सिस्टम है तभी वो एक तरह से ऐसे सिस्टम फॉर्म होता है जहाँ से लो लेवल प्रेशर की वजह से प्रेशर अपवर्ड की तरह जाता है और उसके बाद यहाँ से वो डिसेंड करना शुरू कर देता है तो नेमिंग ऑफ साइक्लोन देखते हैं सिक्स रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स इंक्लूडिंग आई एम डी एंड फाइव रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वाइनिंग सेंटर्स ये इशू में डेट करते हैं ताकि साइक्लोनिक स्टॉम्स का नाम किया जाए एंड ये उन पर्टिकुलर नेमिंग ऑफ साइक्लोन बे ऑफ बंगाल अरेबंस हुआ था। दो हजार चार से शुरू हुआ था यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस के बेसिस पर विंड स्पीड के बेसिस पर क्लासीफिकेशन किया गया है साइक्लोन स्टॉम्स का फूजीवारा इफेक्ट देखते हैं रिसेंटली दो साइक्लोन्स आए हैं नेमली हिनामोर एंड गार्डो जिन्होंने इंटरेक्ट शोइंग फुजीफारा इफेक्ट दिखाया है फुजीफारा इफेक्ट क्या है एक तरह से इंट्रक्शन होती है ट्रॉपिकल स्टॉम्स के विद द फॉलोइंग फीचर्स ये फीचर्स अगर हुए तो उसको हम बताया जाएगा कि वो फुजीवारा इफेक्ट है स्ट्रोम आर फॉर्म्ड अराउंड द सेम टाइम इन द सेम ओशन रीजन एंड जहाँ पर सेंटर होते हैं वो वहाँ पर आई डेवलप होती है एट अ डिस्टेंस ऑफ फोटीन हंड्रेड किलोमीटर एंड जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द डिप्रेशन एंड सुपर टाइफून ये बेसिस पर ये इफेक्ट करता है तो इंटेंसिटी बताया गया जो वेरी कर सके डिपेंडिंग अपॉन द डिप्रेशन अगर जिसका विंड स्पीड अगर सिक्सटी थ्री किलोमीटर पर आवर से कम है तो उसको डिप्रेशन बोलेंगे अगर ज़्यादा है ओवर टू जीरो नाइन किलोमीटर पर आ रहा है तो उसका सुपर टाइफून बोला जाता है इसका आउटकम क्या रहेंगे ये ट्रैक और इंटेंसिटी को मेजर करता है एंड यहाँ पर बताया जाता है कि ये अगर हमने मैनेज नहीं किया तो इट कुड बिकम मर्ज हो गए तो ये बहुत बिगर स्टॉम बन सकता है ड्वार्क टेक्निक ये बेसिकली वेनोम डॉर्क के नाम पर रखा गया है फॉर डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक वो मर गए हैं अब हिज नॉट हेयर इन्होंने स्टार्टिकल मैथड बनाया था फॉर एस्टिमेटिंग इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउड पैटर्न ऑन सेटेलाइट इमेजरी यहाँ पर इन्हांसड इन्फ्र रेड और रिविजिबल जो सेटिलाइट इमेजेस हैं उनको यूज़ करके उन्होंने बताया था एनी ज्यादा नंबर जिसको फिफ्टी आउट नंबर्स बोलते थे फाइनल आउटपुट आता है करंट इंटेंसिटी नंबर वॉर्म साइक्लोन भी होता है जिसको हम एक्सप्लोजिव साइक्लो जेनेसिस बोलते हैं एक तरह से मेटोलॉजिकल फिनना है ये कब अकर होता है जब लो एयर प्रेशर होता है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक ड्रॉप हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग विंड्स भी आती है स्वेयर वेदर स्नोफॉल भी हो सकता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी फॉर्म हो सकती है स्ट्रॉन्ग विंड थंडर स्ट्रॉग्स भी आ सकते हैं विंटर मंथ्स में एसोसिएटेड होते हैं बट दूसरे सीजन में भी आ सकते हैं कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं यूनाइट स्टेट्स यूरोप एंड एशिया साइक्लोन ऑन तमिलनाडु ने सदर पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में आया था साइक्लोन मैंडिवस एंड ये यू ने नाम दिया था एंड बोला गया था कि ये लैंडफॉल क्रिएट करेगा कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिजिल इंफ्रास्ट्रक्चर इस इंडिया ने साइन किया है हेडक्वार्टर एग्रीमेंट जहाँ पर बताया गया है कि इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी एक तरह से इसका लीगल एंटिटी बना दिया गया है इंटरनेशनल लीगल पर्सनलिटी क्या होता है एक तरह से वो एक तरह से ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसके पास राइट्स हैं है, ऑब्लीगेशन हैं अंडर पब्लिक इंटरनेशनल लॉज जिसके अंदर स्टेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एन डी भी आते हैं ये क्या हेल्प है करते हैं ये एक्सपर्ट्स को डिब्यूट करते हैं एंड ब्रिंगिंग एन एक्सपर्ट्स फ्राम मेमर कंट्रीज टू इंडिया फंडस ग्लोबली लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं एंड लिवरेजिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी ये करते हैं हेडक्वार्टर एग्रीमेंट क्या होता है एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है होस्ट स्टेट है जो डिटरमाइन करती है कि कौन कौन से प्रिवेलेजेज या इम्यूनिटी इनको दी जाएगी ताकि इनकी फंक्शनिंग को इंश्योर किया जा सके विद ऑल द इम्यूनिटीज एंड प्रिवेलेज ऑफ द सेक्शन थ्री ऑफ यूनाइटेड नेशनल प्रिविलेजेज एक्ट इंडिया ने इन किया था एंड इनको अब इसको रेटिफाई कर दिया गया है ताकि वो यू को अलाउ कर सके टू इंजॉय देयर राइट्स इन टेरेटरी ऑफिट्स मेंबर विद सच लीगल कैपेसिटी प्रिविलज इम्यूनिटी जो कि एक्साइज होते हैं हमें जरूरत पड़ती है फॉर दिस एक्साइज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉल्यूशन फॉर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से क्या है ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ नेशनल गवर्नमेंट की यूनियन एजेंसीज की प्राइवेट सेक्टर की अकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की जिसको दो में यू एन uh, में लॉन्च किया गया था बाय आर प्राइम मिनिस्टर ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड क्लाइमेट डिजास्टर रिक्स को हम रेजिलियट बना सकते हैं डेवलप कर सकें एंड यहाँ पर वर्क करेगा विद द इंटरसेक्शन ऑफ फेमक कॉन्फ्रेंस का इन पार्टनरशिप विद दो जिसको 2022 में ऑर्गेइज किया था एनुअल कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे पर ग्लोबल डिस्क्रोशन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रिजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बातें की जाती है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेवन सेशन हुआ है. एंड ये हुआ है बाली इंडोनेशिया में मेन ग्लोबल फोरम है जहाँ पर डिस्कस किया जाता है सेंडाई फ्रेमवर्क की इम्पलीमेंटेशन को कैसे हमें करना है डिजास्टर को रिड्यूस करना है ह्यूमन बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए कॉमन हमारा एजेंडा होना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अब ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं यूनिइट सिस्टम का फोकल पॉइंट है फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड कस्टोडियन ऑफ द संडाई फ्रेमवर्क आल्सो जो इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग एंड रिव्यू करती है इस पर्टिकुलर प्रोसेस की चंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट है ऑफ पोस्ट 2015 डेवलपमेंट गोल्स एंड प्रोवाइड करती है मैंबर स्टेट्स को विद कंक्रीट एक्शंस ताकि हम डेवलपमेंट गेंस कर सके फ्रॉम द डिजास्टर अगर डिजास्टर आया है तब भी हम अपना बचाव कर सकें सो दैट विल बी आर डेवलपमेंट गेंस अदर डिज़ास्टर रिलेटेड न्यूज देखते हैं अर्थ को एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस ने एंड ये बनाया गया है उधमपुर में एंड ई का फिफ्टी थर्ड सिस्मिक स्टेशन है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दो मेजर फ्रंटल थर्स्ट के बीच में लाई करता है दैट इज मेन फ्रंटल थर्स्ट एंड मेन बाउंड्री थर्स्ट एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है अर्थको एक आने के यहाँ पर सबसे ज्यादा इन एक्टिविटीज भी होती है अर्थकर्स्ट के जो कि हमें सिस्मोलॉजिकल स्टेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है डेरी को सेवरल स्टेट्स हैं यू में वो हिट किए हैं स्टॉम में दैट टर्न स्काई इज ग्रीन ग्रीन कलर हुआ है ड्यू टू जो इंट्रैक्शन हुआ है पानी का बाय सच सिस्टम्स एक तरह से वाइड लॉन्ग लिफ्ट स्ट्रेट लाइन विंड है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रैपिड मूवमेंट होती है शावर्स की और सस्ता स्टोम्स की बट इनका कोई रोटेशन नहीं होता जैसे कि टोर्नाडो में होता है एंड यहाँ पर ये समर टाइम में ही आ, आता है अवलान्चे मोनिटरिंग रडार ये भी इंडिया में नॉर्थ सिक्किम में इंस्टॉल किया गया है ताकि को हम डिटेक्ट कर सकें साउथ एशिया ड्राउट मोनिटरिंग सिस्टम इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ने इसको लॉन्च किया है ताकि हमारी जो पोटेंशियल चैलेंजेस एग्जिस्टिंग ड्राउट मैनेजमेंट को लेकर वो हम उसमें मिटिगेट कर सके इंडिया पाकिस्तान भूटान नेपाल मांगदेव अफगानिस्तान ये हम उसमें ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं नेक्स्ट वन इज़ दामिनी ऐप ये मिनिस्ट्री ऑफ हम अफेयर ने लीड किया है इन और लोकल लैंग्वेजेस बेसिकली ये लाइटनिंग एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करेगी एंड अलर्ट करेगी पर्सन को अगर लाइटनिंग उसके आसपास हो रही है विद इन द रेडियस ऑफ फोटी किलोमीटर एंड ट्वेंटी किलोमीटर एंड ये लिव लाइटनिंग वार्निंग भी देगी तीन घंटे पहले ही बता देगी एंड किसने डेवलप किया है आई आई टी एम पुणे अर्थ साइंसिस ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्टर अर्थ साइंसिस ने रिपोर्ट्स एंड इंडसिस देखते हैं इन्वायरमेंट की ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये रिलीज किया जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन दैन ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम इसको भी रिलीज किया जाता है बाईट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट असेस क्या करता है स्टेट ऑफ टारगेट जी वन ऑफ़ द सेवन टारगेट्स ऑफ ऑफर फ्रेमवर्क टारगेट जी बेसिकली क्या है ताकि हमें एक्सेस करना है टू अवेलेबिलिटी होना चाहिए एंड एक्सेस होना चाहिए टू तो दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम हम डिजास्टर से पहले ही अगर अलर्ट आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है एंड इससे हार्म जान माल का नुकसान भी बच सकता है नेक्स्ट वन इज मामला केव अभी मेघालय में केव है जिसको लिस्ट किया गया है एज फर्स्ट हंड्रेड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस जियोलॉजिकल साइट्स इन द वर्ल्ड ये होता क्या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ये वर्ल्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होते जो साइंटिस्ट थी इसको 1961 में लॉन्च किया गया था जियोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए इसको प्रमोट किया जाता है एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अब जोलॉजिकल हेरिटेज साइट देख लेते हैं ये ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर जियोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं प्रोसेस होते हैं साइंटिफिक इंटरनेशनल रेलिवेंस के एंड यहाँ पर सस्टेंशियल कंट्रीब्यूशन भी होता है ऑफ जीलॉजिकल साइंस जो डेजिनेशन है ये इट इज़ कम अंडर द प्रोजेक्ट इंटरनेशनल जियो साइंस प्रोग्राम एंड एक तरह से नॉलेज हब भी फैसिलिटेट करता है हमें काफ़ी सारे नॉलेज प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे सेडिमेंटोलॉजिस्ट जियोमार्फोलॉजी प्रिंटोलॉजी हाइड्रोलॉजिकल म्यूरोजिकल पेट्रोलॉजिकल सब चीज़ें इसके अंदर स्टडी की जाती है मामला केव के बारे में देखते हैं जिसको हम क्रेव मामला भी बोलते हैं फोर्थ लॉन्गेस्ट केव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसकी टोटल लेंथ है सेवन किलोमीटर्स लोकेशन है सोहरा जिसको चिरापुंज भी बोलते हैं ऑफ ईस्ट मेघा खासी हिल्स एंड फर्स्ट एक्सप्लोर किया गया था बाय द लेफ्टिनेंट यूड इन 1944 ये इसको फोर फाइव जीरो थ्री ऑल्टोमीटूड पर देखा गया है इन द मला घर इज फेमस फॉर इट स्टेगमाइट एंड ऑफ रॉक फीचर्स जो सेगमेंट्स होते हैं ये अपवर्ड ये स्टेगमेंट्स वो होते हैं ना अगर आपने ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स पड़े हो जो नीचे से ऊपर उगते हैं नीचे नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं दैगमेंट्स स्टेलाइट होते हैं जो ऊपर से नीचे होते हैं एंड अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं ऑफ़ द ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम यहाँ पर डीप पूल इन साइड द केव बनाया गया है विच इज बा फाउंड बाय फाइव डिफरेंट रिवर दैट पासिस थ्रू द केव यहाँ पर हमारे पास जियोलॉजिकल एज का टाइम स्केल दिया गया है और जो मोस्ट सब डिविजन है रिसेंट दैट इज हेलोसिन एपोक जो कि फोर्टी टू हंड्रेड ईयर्स को शुरू हुई थी जब एग्रीकल्चर सोसाइटीज राउंड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस अ वेरी अडप्ट अब्रप्ट कूलिंग ड्राउटिंग सीजन एंड यहाँ पर बताया गया था कुछ इंटरवल्स के बाद को इंसिडेंट्स हुआ था कल्चरल इवेंट का जो कि ग्लोबल क्लाइमेट इवेंट की वजह से हुआ था जिसकी वजह से को हुआ था सिविलाइजेशन का इन इजिप्ट रशिया इन, इन इजिप्ट ग्रीस सीरिया पैलेस्टीन मेजोपोटामिया इन दस वैली एंड यंग रिवर वैली जो हेलोसिन एपोक है जो कि 11,700 इयर्स ईयर्स पहले शुरू हुआ था वो सैनिजिक एरा में आता है बस आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं म्यो यू फ्रंट या ऑल इंडिया जून रेनफॉल इस ईयर इतनी रही है एंड रीज़न बताया गया है रीजन फॉर डेफिशेंट रेनफॉल एक तरह से एक्टिव रेनफॉल्स फैल रहा है वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में जो कि मोस्चर को ड्राइव कर रहा है इंडियन ओशन से और मोस्चर को खींच रहा है मेडियन जूलियन ऑस्कुलेशन रिमेन आउट ऑफ प्लेस एंड डिड नॉट ब्रिंग मच रेनफॉल क्योंकि ये मेडियन जुलियन ऑस्कुलेशन ही रिस्पांसिबल करता है रेन बियरिंग होता है ईस्टवर्ड प्रोपिगेटिंग इंटर सीजनल सर्कुलेशन होता है ओवर द ट्रॉपिकल एसमोस्फियर एंड हेल्प्स इन द मानसून ऑल्सो अफेट द इंडियन मानसून एरोजर हाई देखते हैं एक तरह से रिजल्टेड इन अब नॉर्मली ड्राई कंडीशन ऑफ द वेस्टर्न मेडिटेरियन सी बस आपको ध्यान रखना है वेस्टर्न मेडिटेरियन सी के ऊपर होता है जो कि वेदर सिस्टम एंटी आ, इट इज़ एसोसिएटेड विद एंटीसाइक्लोनिक विंड्स हाइड्रोलिक फ्रैकलिंग एक तरह से बैन किया गया है इंग्लैंड में फॉर रिकवरिंग गैस एंड ऑयल फ्रॉम द शेल लॉक क्योंकि इसका जो इंजेक्शन होता है एट वेरी हाई प्रेशर रोग में वो अर्थ ट्रेमर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस ऑयल्स रिलीज हो रहे हैं रोक के अंदर से एंड देट आर वेरी हार्मुल फॉर अस कैसे शेल फ्रैकिंग से हम एक्सपेक्ट करते हैं गैस होल्ड ड्रिल किया जाता है वाटर से एंड एंड केमिकल्स पम्प किया के जाता है बोर होल्ड में फिर उसका प्रेशर किया जाता है एंड गैस फॉर द शेल फ्लोज डायरेक्टली इन टू द पाइप एंड बैक टू द सर्फेस प्लेसेज इन न्यूज़ देखते हैं कौन कौन सी प्लेसेज न्यूज़ में थी यौंगी कुटी वैली उत्तराखंड में है मल्टीपल ग्लेशियर एडवेंचेस होते हैं यहाँ पर यहाँ पर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है बनी ग्रास लैंड गुजरात में है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिस्टोर किया है इसके दस हज़ार एकर दैन एशिया का लार्जेस्ट एंड फाइनेस्ट ग्लास लैंड है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में देन मौसम एंड चि मेघालय में देखा कि हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिली है एक दिन में जब पूरे कंट्री में नहीं मिली जून में मोरबी गुजरात ब्रिज कोलैप्स लेप्स हुआ यहाँ पर मच्छू रिवर में तो मोरबी गुजरात में है तमिलनाडु में देखते हैं पनबन रिवर इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है बींग डेवलप्ड बाय रेलवे विकास निगम लिमिटेड केन बेतवा लिंक है ये सेकंड स्टीयरिंग मीटिंग यहाँ पर हुई है फर्स्ट प्रोजेक्ट अंदर आता है नेशनल परस्पेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स देन नांडमानिकल बार एलिमेंट बैरल आइनलैंड आ गया है यहाँ पर करप्शन के साइंस मिले हैं यहाँ पर बताया गया है ये लोकेटेड है जो साउथ एशिया में इकलौता ऐसा है जहाँ पर एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है रिवर्स देखते हैं इंडिया में चनाब रिवर ये पाकिस्तान ऑब्जेक्ट कर रहा है इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेटल एंड खुआर हाइड्रोलिटिप प्रोजेक्ट साबरमती रिवर आपकी आ रही है गुजरात में इनमें यहाँ पर अटल ब्रिज बनाया गया है उसके ट्रिब्यूटरीज हैं साई वखाई हरना हथमथी एंड वाटर कामेग रिवर आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है एंड यहाँ पर पावर प्लांट बनाने की बात किया जा रहा है ओवर द कामेग रिवर अरुणाचल प्रदेश में कुशियारा रिवर ये आ रही है बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी यहाँ पर बांग्लादेश से अप्रूवल लिया गया है ऑफ द विड्रॉल ऑफ वाटर सुका पाइका रिवर ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, ने बता दिया है कि आपको इसको रिवाइव करना पड़ेगा एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ मानधी रिवर प्रानहिता रिवर ये एक तरह से यहाँ पर फेस्टिवल बनाया जाता है ऑन द बैंक्स एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी तो ये तेलंगाना में है नर्मदा रिवर ये बनाया गया है यहाँ पर भुज मांडवी नर्मदा ब्रांच कनाल बनाया गया है ताकि पानी यहाँ से लाया जा सके सरदार सरोवर डैम में लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इसके ट्रिब्यूटरीज है बुनेर बंजरकुडी कहरान उरी कथनी एक्सेट्रा देन बेती रिवर एंड वर्दा रिवर भी है जो कि इन्वायरमेंटल ग्रुप्स है कर्नाटका में क्रिटिसाइज़ किया इस प्रोजेक्ट को ऑफ द इंटरलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर्स ये है कर्नाटका में अब इंटरनेशनल देखते हैं प्लेसेज ऑफ न्यूज़ तो यू कैन जस्ट सी थ्रू द मैप्स ग्रेट लेक्स आते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में मोनालो है हवाई में देन पेंटनाल वेटलैंड है आपका साउथ अमेरिका में देन कैपिटल ऑफ आइसलैंड इज रेजोवाकिक देन खुशबू लेक है आपका रशिया में न दिस इज शेवा वालकैनो भी है रिवर सेती है इधर इंडिया इट इज अटवीन नेपाल एंड इंडिया दैन लेक सोवा आ रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका दैन लेक मंचार भी है जावा आईलैंड है आपका इन द इन दिस चेन ऑफ इंडोनेशियन आईलैंड शेवे वोल कैनो भी है दैन न्यूजीलैंड में तस्मानी ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है दैन वाइट आईलैंड है आपका इधर न्यूजीलैंड के पास दैन टोंगा बुल कैनो ऊपर है न्यूजीलैंड के कंट्रीज इन न्यूज़ यू कैन जस्ट पॉज एंड जस्ट चेक आउट द कंट्रीज ये यूरोप का मैप है इटली रोम यहाँ पर थे सी, सी है बीच में एडलेटिक सी है बिटवीन इटली एंड क्रोशिया और बोस्वानिया एंड इरानिया साइबेरिया ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ये दूसरी कंट्रीज है अगर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंगोलिया डेमोक्रेटिक कंट्री ये हम, हम वेस्टर्न अफ्रीका की बात कर रहे हैं फिलिपींस का मैप देख लेते हैं यहाँ पर लूजन स्ट्रेट है ऊपर नीचे सेलेब सी है इधर सुलू सी है साउथ चा सी है ये भी मेजर uh, कॉन्फ्लिक्ट का ही एरिया है मनीला इसकी कैपिटल है एंड इधर पैसिफिक ओशन है इराक का देख लेते हैं इराक की कैपिटल बगदाद है कौन कौन से कंट्रीज को बॉर्डर कर रहा है कुवैत सऊदी अरेबिया ईरान आर्मेनिया सीरिया टर्की एंड जॉर्डन पैलेस्टीन को ये बॉर्डर नहीं करता अपनडिक्स देख लेते हैं इंडिया इनिशिएटिव्स लॉन्च सी ओ पी ट्वेंटी सेवन एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बाई यू एंड यू एस इंडिया इसका मैंबर नहीं है आपको ध्यान रखना है टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट अदर सपोर्ट क्लाइमेट सपोर्ट स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन ऑन इनिशियट ऑनशन एंड क्लाइमेट चेंज आई कैन इजिप्ट ने इसको प्रिजाइड किया है एंड दूसरी पार्टनर से भी तो वही हमें इम्प्रूव करना है इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलेंस अलाइंस का भी इंडिया मेबर नहीं है स्पेन एंड सैनिकल ने इसको लीड किया है एफ ए ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशियेटिव ये यू एन के एजेंसी के साथ हमने इनिशियटिव को लॉन्च किया है फाइनेंस रिलेटेड देखते हैं सस्टेनेबल डेवलप डेप्ट कोलेशन इजिप्ट में है ताकि हमारा जो फिजिकल आ, पोजिशन आ रही है उसको हम स्टेबल कर सकें ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क जी सेवन एंड वी ट्वेंटी वन नेल ट्वेंटी का पार्ट है इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है वन नेबल ट्वेंटी डेडिकेटेड कॉपरेशन इनिशियटिव है जो कि वनरेबल हो चुके हैं कंट्रीज क्लाइमेट चेंज की वजह से दो में पेरो में पैरोम किया गया था यानी यहाँ पर फिफ्टी कंट्रीज इसका पार्ट है इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन प्रोग्राम क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड का लॉन्च है पहला ऐसा फर्स्ट स्किल डेडिकेड फाइनेंस प्रोग्राम है डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजीशन फॉरेस्ट लैंड में देख लेते हैं मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इंडिया इसका मेंबर है यू एन एन ए इसको स्टार्ट किया था फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप इंडिया का मेंबर नहीं है एंड यू कैन वर्ल्ड लीडर्स ने यू एन ए इसको लॉन्च किया था ताकि हम जो कमिटमेंट मेड किया है एट दूर सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स ग्लासगो में कि हमें हॉल्ट फॉरेस्ट लॉस को एंड लैंड डिग्रेडेशन को हमें इसको रिकवर करना है इनहसिंग नेचर बेस्ड सोल्यूशन सी पी ये कलेबोशन हुआ था एंड जर्मनी के द्वारा दैन अलाइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन और क्लाइमेट चेंज ये यूके एंड इजिप्ट ने किया था अफ्रीका जस्ट एंड अफोर्डेबल एनर्जी ट्रांजिशन एक्सपी प्रेजिडेंशियल हुई थी इजिप्ट में रिसेंट लाइफ फॉर क्लाइमेट रेजिल अफ्रीका रेस्ल यहां पर प्रेजिडेंट ऑफर ने इसमें प्रेजाइट किया था अफ्रीकन वुमेन पब्लिक सी ओ पी ट्वेंटी सेवन में अफ्रीका कार्बन मार्केट्स इनिशिएटिव यह भी लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स ऑफ ग्रीन नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड इन अफ्रीका एंड डेवलपिंग कंट्री इनिशिएटिव ग्लोबल वेस्ट इनिशिएटिव फिफ्टी बाय ट्वेंटी फिफ्टी इट विलेज वॉलन्ट्री इंगेजमेंट फ्राम वन एटी कंट्रीज मोबिलिटी एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लो कार्बन ट्रांसपोर्ट है एंड स्लो कैट एंड बी सी जी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इसका पार्ट है एक्सलरेटिंग टू जीरो कोलेशन यू के ने इसको स्टार्ट किया था कोल्यूशन फॉर ग्रीन ट्रांसपोर्ट ए भी हाई लेवल फाइनेंस है जीरो मिशन व्हीकल्स फॉर इमर्जिंग मार्केटिंग यूएसए का इनिशिएटिव है सस्टेनेबल अर्बन रेजिलियंस फॉर द देशन लेटेस्ट सर्ज इनिशियेटिव सी ओ पी ट्वेंटी विद दू एनिटेड एंड आई सी एल ई आई बीट द हीट ये आया है कूल cool कोलिशन का पार्ट है क्लाइमेट मिटिगेशन का देख लेते हैं फर्स्ट मूवीज कोलिशन फर्स्ट मूवी इंडिया इसका पार्ट है देन वी हैव लीडर आई टी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन समिट होस्टेड होस्टर इंडिया एंड स्वीडन मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, साउदी अरेबिया एल्ट इनिशिएटिव है फॉर द मिडल ईस्ट कंट्रीज मिथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम यूनिपी का इनिशिएटिव है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है फॉर द ग्लोबल मिथेन हब एंड बेनोज अर्थ फंड क्लाइमेट ट्रेस दिखते हैं ट्रैकिंग रियल टाइम एटमोस्फियर कार्बन कोलेशन है स्पेर बाय फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट एआई गोर

दैन अगर हम इसकी बात करें मेघालय में वी हैव खोले कुर्स साइलम कमेग असम में मजलू असम दैन हजोंग टोट दैन बोर्जुली वाइल्ड राइस मणिपुर में है दाइलोंग विलेज त्रिपुरा में वी हैव थ्री फाइव थ्री टू फोर लोकेशन सिलचरी कैवेज बेटलिंग सब एंड सराउंडिंग यूना बारामुरा एंड देबारी और छबीमुरा सब भी है मंडासूरू महेंद्रगिरी बारडोवस्टी हेरिटेज साइट्स दैन मध्य प्रदेश में भी है अमरकंटक नेहरो हिल्स पटलकोट देन महाराष्ट्र में ग्लोरियाफलअपी मिश्रिक स्वैम्स नशकिन गार्डन लंडोरखी एंड शिश्रा हिरण्य केशी वेस्ट बंगाल में दीजर थ्री फोर साइड साउथ में देख लेते हैं कर्नाटका में नल्लोर हॉरकिंगन अंबरगुडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस गोवा में पूर्वती केरला में असरम्बल तमिलनाडु में अथरापति बाडाशेख तेलंगा में अमीरपुर लेक देर आर बायोडावर्सिटी हेरिटेज साइट्स अब रामसर साइट्स भी देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर में वी हैव शलाबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व मध्य प्रदेश में यशवंत सागर सिरपुर एंड साख्या सागर वेटलैंड मिजोरम में पाला वेटलैंड उड़ीसा में टेम्परा हिराकोड अन, अनसुपा एंड सतकोसिया महाराष्ट्र में थाने क्रीक गोवा में नंदा लेक कर्नाटका में रंगानीथु बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में वी हैव दीज मैनी अपने नेम ऑफ़ द दे वेटलैंड देखते हैं की फीचर्स देख लेते हैं तमिलनाडु में करिकली बर्ड सेंचुरी एक तरह से मैन मेड वेटलैंड है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इरीगेशन टैंक्स बनाए गए हैं बर्ड सेंचुरी भी है ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पर दिए गए हैं देन इज रानी मार्श रिजर्व वेटलैंड नेचुरल वेटलैंड है ये एंड देन वी हैव इज पिचर अवर मैंग्रोव ये नेचुरल वेटलैंड है लार्जेस्ट मैंग्रोव इको सिस्टम है बिटवीन द प्रोमेंट एस्ट्रफ वेलार एंड कोरलोन रिवर्स देन वी हैव कौनकथन बर्ड सेंचुरी मैनमेड वेटलैंड है जो कि इरीगेशन टैंक्स को कनेक्ट करता है लार्जेस्ट रिजर्व है ब्रीडिंग रेजिडेंट एंड माइग्रेटिव वेटलैंड्स का साउथ इंडिया में कल्फ ऑफ मेनार मरीन बायोस्फेर रिजर्व नेचुरल वेटलैंड है फर्स्ट मरीन बायोस्फर रिजर्व है एंड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है यूनेस्को बायोस्फेयर रिजर्व भी है लोकली इसको मराकी यर्स बोला जाता है वेम बनूर वेटलैंड भी है ये भी मैनमेड वेटलैंड है एंड पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वेटलैंड बर्ड एंडवाडस्ट एरिया वेलो बोर्ड बर्ड ये भी मैन मेड है देन वी हैव वेदवंता बर्ड सेंचुरी भी मैन मेड है यहाँ पर इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है उधान या मर्था आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाशन मैन मेड वेटलैंड है एंड सदन पार्ट ऑफ द लैंडस्केट इज पार्ली कुरियार रिवर से ये सिचुएटेड है चित्रागुडी बर्ड ये भी मैन मेड है इन दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो मैन मेड दीज आर द यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर ओडिशा का देख लेते हैं सतकोसिया ये भी नेचुरल वैंड है रिवर महानदी भी आता है डेक्कन पैनेसो नेशनल कार्ड्स का मीटिंग पॉइंट भी है अंशुपुरा भी है नेचुरल वैक्सलैंड है एक तरह से ऑक्सबो लेक है ऑक्सबो लेक होता है जो कि ऐसे फॉर्म किया जाता है रिवर महानदिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है हिराकोड रिजर्वर ये महानदी रिवर के ऊपर बना गया है टेम्परा लेक ये भी बनाया गया है बाय द टाइम बाय ब्रिटिशर्स एक तरह से कैचमेंट एरिया है जिसका नाम टेम्परा दिया गया था बाय लोकल्स जम्मू एंड कश्मीर हाईगम एंड शबमुल्ला एक तरह से एक्सटेंडिव रेड ब्र से बना हुआ है रिवर झेलम के ऊपर ये बनाया गया है महाराष्ट्र में थाना नकली ये डिक्लेयर किया गया है इस फ्लैमिंगो सेंचुरी तो आपको ये ध्यान रखना है कर्नाटका रंगाथिने बर्ड सेंचुरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्पीशीज दिए गए हैं गोवा में नंदा लेक जो है वो ज्वारी रिवर पर बनाया गया है इम्पोर्टेंट स्पीशीज ये हैं देन वी हैव पाला वेटलैंड लार्जेस्ट वेटलैंड है स्टेट ऑफ मिजोरम का एंड इट इज कॉल्ड लोकली मारा बाय द पीपल एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट स्पीशीज सो दैट वॉज अबाउट द एनवायरनमेंट मैगजीन आई होप यू आर रिवाइजिंग बिकॉज प्रलिम्स इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड ऑल द बेस्ट टू प्रिपरेशन